नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। टिकटॉक स्टार फैजल शेख करेंगे बेवफाई में लीड रोल। जी हां, सबके फेवरेट सोशल मीडिया पर अपनी झलक बनाए टिकटॉक स्टार बने फैजल उर्फ फैजू, जो कि बेवफाई में लीड रोल कर रहे हैं। दिव्या खोसला कुमार के ब्लॉकबस्टर म्यूजिक वीडियो याद पिया की आने लगी में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं फैजल शेख और फैजू। फिर से टी सीरीज के साथ काम करते नजर आएंगे फैजू के नाम से लोकप्रिय फैजल शेख टी सीरीज के गाने बेवफाई में लीड रोल करेंगे। फैजल शेख इंस्टाग्राम और टिकटॉक का जाना पहचाना चेहरा है। इनके इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से ज्यादा और टिकटॉक पर 26 मिलियन से ज्यादा फैंस है। सॉन्ग की बात करें तो ये सॉन्ग बेवफाई में फैजल शेख के अलावा मुस्कान सेठी और आदिल खान जैसे एक्टर्स हैं। 3 मिनट के इस वीडियो में लव ट्राइंगल के बारे में है। यह गण 60 से दशकों के बॉलीवुड में नंबरों प्रेरित है। फैजल शेख ने बेवफाई के टीचर और पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। फैजल शेख ने बेवफाई की बात करते हुए कहा कि ये मुझे न्यू मौका मिला है, मैं इसमें कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूँ। डायरेक्टर आशीष पांडा मुझे एक एक्टर के तौर पर सीमाओं में आगे बढ़ाने के लिए शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। ये बेहतरीन अवसर है मेरे लिए और इसलिए मैं टी सीरीज को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इस सॉन्ग को मेघालय में कई स्थानों पर फिल्माया गया है। इस सॉन्ग को रोचक खोली ने कंपोज किया है, संजय टंडन ने गाया है और मनोज मुंसरी ने इसे लिखा है। ये गाना 20 अप्रैल 2020 को टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। बता दें कि कुछ समय पहले टिकटॉक पर कुछ आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने को लेकर मिस्टर फैजू पर कानूनी कार्रवाई हुई थी और उनके टिकटॉक अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसके बाद मिस्टर फैजू भारत से बाहर चले गए थे और दोस्तों के साथ छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर भी फैजू के साथ कई वीडियो में नजर आ चुकी है। फिलहाल फैजू यूट्यूब के जरिए अपने फैंस के लिए नए नए वीडियो ला रहे हैं। इन दिनों उनका अकाउंट खुल चुका है, उन्हें अकाउंट वापस मिल गया है जिसमें वो रियाज के साथ भी एक बार कई गानों में एक्ट कर चुके हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।